सब्सक्राइब कीजिए बैंकिंग गुरु जी चैनल को और बेल आइकन दबाइए लेटेस्ट इंफॉर्मेटिव वीडियो सबसे पहले देखने के लिए। हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। बैंकिंग गुरु जी चैनल के एक और फ्रेश और इन्फॉर्मेटिव वीडियो में मैं स्वप्निल आप सभी का तहे दिल से स्वागत करता हूं। तो सबसे पहले आप सभी को दिवाली की हार्दिक शुभकामनाएं, विशिंग यू ऑल अ वेरी हैप्पी एंड सेफ दिवाली। और साथ ही साथ मैं आप सभी से हाथ जोड़कर सॉरी भी कहना चाहूँगा क्योंकि लास्ट एक महीने से चैनल पर कोई भी नई वीडियो मैं कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से अपलोड नहीं कर पाया, मगर आज से हर हफ्ते एज यूजुअल हमारे चैनल पर नई वीडियो आ जाएगी। काफी दिनों के बाद हम अपडेट्स के इस एपिसोड को अभी वापस से शुरू करने वाले हैं, जहां पर आप सभी को पता है कि मैं अपडेट्स के एपिसोड्स में मार्केट में या फिर बैंक्स के बारे में जो कुछ भी न्यूज आती है वो हफ्ते भर की न्यूज लेकर आपके सामने आ जाता हूं। तो बिना वक्त गवाए शुरू करते हैं आज का एपिसोड। तो यहाँ पर सबसे पहला जो अपडेट है वो है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के डेबिट कार्ड होल्डर्स के लिए। स्टेट बैंक ऑफ इंडिया ने हाल ही में जारी किए गए बयान में ये जानकारी दी है कि 31 अक्टूबर 2018 से स्टेट बैंक ऑफ इंडिया के क्लासिक और माइस्ट्रो डेबिट कार्ड यूजर्स की जो कैश विड्रॉल लिमिट है वो 40,000 से 20,000 कर दी गई है। और यदि आप इससे अधिक कैश विड्रॉल लिमिट चाहते हैं तो आप दूसरे डेबिट कार्ड के लिए भी अप्लाई कर सकते हैं। भारतीय स्टेट बैंक के वरिष्ठ अधिकारियों के अनुसार ये जो डेबिट कार्ड की डेली कैश विड्रॉल लिमिट कम कर दी गई है उससे 20,000 रुपए कोई भी स्टेट बैंक ऑफ इंडिया का ग्राहक तो निकाल ही पाएगा, साथ ही साथ इससे धोखाधड़ी को रोकने तथा डिजिटल लेन देन को बढ़ावा देने में मदद मिलेगी। तो अगर आप एक SBI अकाउंट होल्डर है और अगर आपके पास एक डेबिट कार्ड है तो अगर आप दिवाली में कहीं पर भी कैश विड्रॉ करने जाते हैं या फिर कहीं पर परचेस करने के लिए जाते हैं तो ख्याल रखिए कि आपके पास कोई और एडिशनल डेबिट कार्ड भी है, क्योंकि अभी जो आपके पास क्लासिक और माइस्ट्रो कार्ड होगा उस पर आप सिर्फ 20,000 रुपए डेली विड्रॉ या फिर यूज कर सकते हैं। अगला जो अपडेट है वो है गोल्ड से रिलेटेड, यानी 5 नवंबर 2018 को है धनतेरस और उसी दिन गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड योजना के अगले चरण की शुरुआत की है। वित्त मंत्रालय ने एक आधिकारिक बयान में ये कहा कि ये योजना 5 नवंबर से 9 नवंबर तक खुली रहेगी। इसके लिए 1 ग्राम सोने की कीमत जो है वो 3,183 रुपीस तय की गई है। साथ ही साथ ऑनलाइन और डिजिटल तरीके से भुगतान करने वालों को निर्गम मूल्य पर 50 रुपए प्रति ग्राम छूट भी मिल जाएगी। सो इसके चलते उनके लिए स्वर्ण बॉन्ड का मूल्य जो है वो प्रति ग्राम 3,133 रुपीस हो जाएगा। सरकार ने नवंबर 2015 में सॉवरेन स्वर्ण बॉन्ड की योजना की शुरुआत की थी। इस योजना की अधिकतम सीमा प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष 500 ग्राम सोना इतना ही है। रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के सूचना के अनुसार सरकारी स्वर्ण बॉन्ड अक्टूबर 2018 से फरवरी 2019 तक हर महीने जारी किए जाएंगे। इस बॉन्ड्स की बिक्री नेशनलाइज्ड बैंक्स, स्टॉक होल्डिंग कॉर्पोरेशन इंडिया लिमिटेड, नामी डाकघरों और BSE के जरिए की जाएगी। इस योजना में से 9 नवंबर के खरीदे जाने वाले बॉन्ड को 13 नवंबर 2018 को जारी किया जाएगा। इसके बाद 24 से 28 नवंबर के बीच आप इस स्वर्ण बॉन्ड को खरीद सकते हैं और उन्हें 1 जनवरी 2019 को जारी किया जाएगा। सो अगर आप इस दिवाली को सोना खरीदना चाहते हैं तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की स्कीम का लाभ जरूर उठाइए क्योंकि काफ़ी कम रेट में आपको सोना जो है वो अवेलेबल हो रहा है। अगला जो अपडेट है वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है क्योंकि अमेरिकन पेमेंट कंपनी मास्टर कार्ड ने अपनी सरकार से यानी अमेरिकी सरकार से हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी की शिकायत की है। उनका कहना यह है कि मोदी जी भारत के अपने पेमेंट नेटवर्क रुपए को बढ़ावा देने के लिए राष्ट्रवाद का सहारा ले रहे हैं। उन्होंने अपनी सरकार से शिकायत भरे लहजे में कहा कि मोदी जी की इस स्ट्रेटजी से उन्हें काफी नुकसान हो रहा है, लेकिन इस कदर की भारतीय प्रधानमंत्री की शिकायत करनी पड़ जाए ये वाकई हैरतअंगेज और मजाकिया शिकायत लगती है। मैं आप सभी को बता दूं कि मास्टर कार्ड जो है वो काफी सालों से चलता आ रहा है। इंडिया में सबसे पहले जो है वो मास्टर कार्ड और वीजा कार्ड ही हम सब यूज करते थे। तभी कोई इंडियन प्लेटफॉर्म नहीं था जहाँ पर हमें डेबिट कार्ड अवेलेबल हो, मगर नेशनल पेमेंट कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया के तहत रुपे ये जो कार्ड लॉन्च हुआ है वो हमारा इंडिया का कार्ड है। तो बाय डिफॉल्ट कोई भी इंडियन हमारे अपने इंडिया के कार्ड को ही प्रमोट करेगा, बल्कि मोदी जी नहीं हर एक आम हिंदुस्तानी अपने खुद के इंडियन डेबिट कार्ड को या फिर क्रेडिट कार्ड को ही प्रमोट करेगा जो रुपए के अंडर आता है। मेरे जितने भी वीडियोज है जहाँ पर मैंने डेबिट कार्ड या फिर क्रेडिट कार्ड का जिक्र किया है वहाँ पर आप सभी से ये विनती जरूर की है
कि आप जो है वो रुपए का कार्ड इस्तेमाल करें। तो दोस्तों आज के लिए बस इतना ही, एक छोटी सी अपडेट की वीडियो आप सभी के लिए लेकर आया था काफी दिनों के बाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज इस वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों के साथ व्हाट्सएप, ट्विटर, फेसबुक, जहां पर भी आप चाहे इस वीडियो को शेयर कर सकते हैं। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब भी कर दीजिए और बाजू में जो बेल आइकन है उसको दबाना बिल्कुल भी मत भूलिएगा। जाते जाते वापस एक बार आप सभी को विश यू हैप्पी एंड सेफ दिवाली, पटाखों को कम जलाइए और ज्यादा से ज्यादा अपनों में खुशियां फैलाइए। मिलता हूं आपसे अगले हफ्ते, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।